Come to next example on semaphore. Binary semaphore SX and SY initialize to 1 both. Integer X is equal to 10. PX execute this code. P1 execute this code. Down SX, down SY, X is equal to X plus 2, up XY, SX. Down SY, down SX, X is equal to X plus 3, up SX, up SY. What is the value of X after execution of P0, P1 completely? बहुत ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं वो पहला वही अपन ने जो प्रीवियस एग्जांपल से सीखा था केस 1 P0 कंप्लीट देन P1 इसका मतलब SX की वैल्यू 1 SY की वैल्यू 1 और X की वैल्यू लेट 10 इसने 1 को डाउन किया फिर इसके 1 को डाउन किया X की वैल्यू X प्लस 2 हुई 12 इसके बाद SY को अप किया SX को अप किया क्लियर है नाउ तो इसके बाद ये तो हो गया P0 नाउ SP1 प्रोसेस SY को डाउन किया SX को डाउन किया X की वैल्यू को सॉरी ये 10 प्लस 2 12 हुआ और 12 प्लस 3 15 हुआ फिर SX को 1 किया और SY को 1 किया क्या ये कोड लूप में है नहीं है अगर ये कोड लूप में नहीं है अगर ये कोड लूप में नहीं है इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो इस केस में X की वैल्यू क्या आई 15 कोई डाउट नहीं अब सुनना मैं अब जो दूसरा केस ले रहा हूं वो क्या है x की वैल्यू 10 इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1 केस 2 p1 कंप्लीट देन p0 नाउ s की y की वैल्यू डाउन sx की वैल्यू डाउन x की वैल्यू x प्लस 13 x x की वैल्यू अप x की y की वैल्यू अप इसके बाद p1 ने चला दिया p0 दोनों को डाउन फिर x की वैल्यू 15 फिर दोनों को अप y लूप में नहीं है तो नहीं चलेंगे भैया दोबारा कोई दिक्कत ही नहीं है 15 इंटरेस्टिंग केस इज केस 3 P0 execute partial बात ध्यान देना then P1 अब सुनो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं अगेन conditions देखते हैं X is equal to 10 1 SY 1 अगर मैं इनके नाम बोल दूं अपन नाम ले लेते हैं 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. बहुत ध्यान से देखना अगर P0 1 चलाए डाउन प्रीएम्प्ट हो जाए P1 6 चलाए 1 बिकम 0 7 चलाए P1 डाउन SX डाउन 0 किया तो P1 प्रोसेस SX पे ब्लॉक्ड हो गई क्यों क्योंकि SX ऑलरेडी 0 था उसने उसको डाउन किया जब ब्लॉक्ड हो गई तो वो ये सोच कर ब्लॉक्ड हुई है कि कोई उसे जगाएगा नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ P0 नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट इज 2 P0 विल एग्जीक्यूट 2 2 सेज डाउन SY 0 को डाउन किया P0 भी ब्लॉक्ड हो गई बोथ प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड दैट इज कॉल्ड डेड लॉक इट मे लीड टू अ डेड लॉक बिकॉज वी हैव कंसीडर वन केस जिसमें डेड लॉक आया इन दोनों में कोई डेड लॉक नहीं आया है बात समझ में आई तो व्हाट विल बी द आंसर इट मे लीड टू अ डेड लॉक क्लियर है नाउ हम वेरिएशंस खेलते हैं इसके साथ इसमें कोई डाउट हाँ अगर आप क्या करते P1 को 6 पहले चलाते फिर इसके
वन चलाते तब भी डेडलॉक आ जाता। बात समझ में आई? नाउ इस पे बेस्ड गेट में दो क्वेश्चंस हैं। इन गेट 2004 उसने आपको यहां पे डैश 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 और यहां पे डैश 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 और बोला है इन चारों जगह पर क्या ऐसा फील करें कि डेडलॉक ना आए। आपको मैं एक हिंट दे रहा हूं, वो सुनना। अगर आप एक एक बार चला चला करके प्रीएम्प्ट करेंगे आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि आप ब्लॉक्ड हो रहे हो या नहीं। बात समझ में आई? अगर दोनों प्रोसेसेस ब्लॉक्ड हो रही है मतलब डेडलॉक आ चुका है। क्लियर है? तो इस तरीके से प्रीएम्प्शन सही पॉइंट पे करना आना चाहिए आपको। एंड उसी पे बेस्ड गेट 2013 में वन मार्क का एक क्वेश्चन था जिसमें बहुत लंबा चौड़ा डेटा दे रखा है और चारों कंडीशंस में आपको दे रखा है कि क्या क्या ये तीन मतलब डाउन ऑपरेशन चलाने से। वो ऑप्शन से आप क्वेश्चन देखेंगे तो आईडिया आपको लग जाएगा। नेक्स्ट, अब सुनना मैं वेरिएशंस क्या कर रहा हूं। अगर मैं 6 और 7 स्टेटमेंट को स्वैप कर दूं, अगर मैं 6 और 7 स्टेटमेंट को स्वैप कर दूं तो क्या मैं डेडलॉक से बच जाऊंगा? देखते हैं। इसका मतलब डाउन SX एंड डाउन SY। सुनना, या तो ये बंदा सक्सेसफुल होगा या ये बंदा सक्सेसफुल होगा। P0 और P1 में कोई एक बंदा सक्सेसफुल होगा, दोनों बंदे सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते SX में। अगर SX में एक ही बंदा सक्सेसफुल हुआ तो उसके लिए Y अवेलेबल है। चाहे ये होगा तो ये और ये होगा तो ये। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि SX डाउन करके SY में ब्लॉक हो गए और SY डाउन करके SX में ब्लॉक हो गए। ऐसा नहीं होगा। SX में कोई एक बंदा ब्लॉक सक्सेसफुल होगा, उसके लिए SY की वैल्यू 1 मिलेगी। बात समझ में? मतलब इन दोनों को स्वैप कर देने से हम डेडलॉक में बच सकते हैं। लेकिन ये गलती अगर तुम ये करो कि इधर भी स्वैप कर दिया और इधर भी स्वैप कर दिया तब तो खत्म हो गया। बात समझ में आई? क्योंकि फिर वापस से वही इक्वेशन बन जाएगा, बस P0 की बजाय P1 हो जाएगा। क्लियर है? नाउ एक और, ये दोनों स्वैप किसी एक में, ये दोनों स्वैप करने से डेडलॉक बच गया, क्या इन दोनों से कोई फर्क पड़ेगा? तो आंसर इज नो। अगर अप का सीक्वेंस चेंज कर दूंगा तब भी हम डेडलॉक से बच नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? और इसका एक इंप्लीमेंटेशन प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में मैंने बता रखा है कि अगर हम फर्स्ट टू स्टेटमेंट को स्वैप कर दें जो कि करेक्ट इंप्लीमेंटेशन था, अगर हम उनको स्वैप कर देंगे तो डेडलॉक आ जाए। मतलब सेमाफोर को हैंडल करना इतना क्रिटिकल है कि डेटा इनकंसिस्टेंसी तो आई नहीं रही है, सीधा डेडलॉक। बात समझ में आई? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके बाद अपन गेट के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सेमाफोर पे, और उसके बाद जितने भी अपन ने सॉल्यूशंस पढ़े उन सब पे जितने क्वेश्चंस वैरायटी के बन सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के, वो सब सॉल्व करेंगे।